नाउ दीज आर अवर नेक्स्ट लेवल मोडलेस बेस्ड क्वेश्चन. लास्ट लेक्चर जो था उसमें अपन ने देखा था मोडलेस फंक्शंस में आप किस टाइप से डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हो. अभी ये देखिए, ये क्वेश्चन आ गया है x इक्वल टू 2t माइनस मोड ऑफ t, y इक्वल टू t स्क्वायर प्लस t मोड t, चेक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी. तो देखो इसमें तीन वेरिएबल दिए हुए हैं आपको, एक t दे दिया और एक x दे दिया और एक y दे दिया. अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये देखना है कि मोडलस कब हटता है. अब जब भी मोड फंक्शन आता है या तो वो जीरो से बड़ा होगा तभी तो चेंज होता है ना. जैसे अपने पास आ गया मोड ऑफ x, तो ये इसका डिसाइडिंग पॉइंट कौन सा है, जब x इक्वल टू जीरो हो. क्योंकि जब x इक्वल टू जीरो होगा ना, ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो, तो ये मोड हटेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन देगा. बट अगर ऐसा हो जाता x माइनस थ्री मोडलस, तो इसका डिसाइडिंग पॉइंट कहाँ कौन है, तीन है यहाँ पे. x इक्वल टू थ्री, x इक्वल टू थ्री से बड़ा होगा ना, जब ये ग्रेटर देन थ्री तो पॉजिटिव होगा और जब लेस देन थ्री हुआ तो नेगेटिव वैल्यू देगा, मोड हटेगा. तो ये आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि उसमें डिसाइडिंग पॉइंट कौन सा है. इस कैटेगरी का कोई भी क्वेश्चन आ गया तो सबसे पहले ये देखो कि मोड कौन से वेरिएबल में लगा हुआ है. यहाँ पे मोड टी के साथ है. उसके बाद जो मोड ऑफ टी है उसका डिसाइडिंग पॉइंट क्या है, एक्स इक्वल टू जीरो है. ठीक है, क्योंकि ओनली मोड ऑफ टी है. अगर यहाँ पे मोड ऑफ टी माइनस थ्री होता तो डिसाइडिंग पॉइंट कितना हो जाता, थ्री हो जाता. अगर t प्लस थ्री हो जाता तो भी डिसाइडिंग पॉइंट क्या होता है यहाँ पे, माइनस थ्री. माइनस थ्री से छोटा और माइनस थ्री से बड़ा, इस टाइप से तो डिसाइडिंग पॉइंट होंगे. तो ये तो आपको पता चल गया. अब देखो यहाँ पे दो केस बनेंगे. केस वन व्हेन t इज ग्रेटर देन जीरो एंड केस टू व्हेन t इज लेस देन जीरो. ठीक है, t इज ग्रेटर देन जीरो पे क्या होगा, मोड ऑफ t इक्वल टू t बन के बाहर आएगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 2t माइनस t इक्वल टू t. मतलब x इक्वल टू t यहां से निकल के आया. दूसरे वाले केस में y इक्वल टू t स्क्वायर प्लस t इंटू t, t स्क्वायर, तो y इक्वल टू क्या हो गया, 2t स्क्वायर. अब ये x की वैल्यू मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं तो y इक्वल टू क्या निकल के आया, 2x स्क्वायर. ये सॉल्व हुआ. अब दूसरा देखिए केस टू, अगर t की वैल्यू लेस देन जीरो है तो मोड ऑफ t किस में बाहर आएगा, माइनस t में, पता है अपन को पहले से. तो यहां पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2t और प्लस t हो जाएगा, माइनस बाहर आते ही प्लस t हो गया, मतलब कितना हो गया ये 3t. ठीक है, तो x इक्वल टू 3t हुआ यहां पे. और जो दूसरा है y इक्वल टू, तो y इक्वल टू हो जाएगा t स्क्वायर माइनस t स्क्वायर, इक्वल टू कितना हो गया जीरो. तो y इक्वल टू क्या क्या निकल के आया आपके पास, जीरो. अब आपको फंक्शन बनाना है. फंक्शन बेसिकली क्या होता है, fx या फिर y. तो यहां पे फंक्शन किसको डिनोट करेगा, y को. तो यहां पे y की वैल्यू देखो, y की दो वैल्यूज हो रही है. कब, y की वैल्यू 2x स्क्वायर है और y की वैल्यू जीरो है. अब 2x स्क्वायर कब हो रही है, जब t ग्रेटर देन जीरो हो रहा है. और t इक्वल टू x है तो मैं x ग्रेटर देन जीरो लिख सकता हूं, व्हेन x इज ग्रेटर देन जीरो. ठीक है, पता चला होगा आपको क्यों आया यहां पे, t इज ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए था, पर t इक्वल टू x अपन ने फाइंड आउट कर लिया है. देन आई कैन राइट इट लाइक t इज ग्रेटर देन जीरो. जीरो व्हेन ऑब्वियसली x इज लेस देन जीरो. इसकी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की बात हो रही थी. अब इसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमेशा कंटिन्यूस फंक्शन है, पॉलिनोमियल, सो ऑलवेज कंटिन्यूस, है ना. कंटिन्यूस तो चेक करने की जरूरत ही नहीं, आप सीधा लिख सकते हो या फिर ग्राफ बना के भी देख लेना, कहीं पे भी ब्रेक नहीं होगा. तो कंटिन्यूटी वाला पॉइंट तो हो गया. डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए सीधा ही मैं क्या कर दूंगा, y डैश, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन किया तो 2y 2x स्क्वायर का कितना हो जाएगा यहाँ पे 4x और इसका 0. एंड व्हेन x इज लेस देन 0. अब y डैश की वैल्यू 0 प्लस और 0 माइनस पे क्या हो रही है, 0 प्लस मतलब x इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा 0 और x इक्वल टू नेगेटिव पे भी क्या हो रहा है 0. तो राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों सेम आ रहे हैं. तो ये जो फंक्शन है आपका x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल भी है. ठीक है, तो बेसिक सा क्वेश्चन था, काफी सिंपल. बस ये ध्यान रखना डिसाइडिंग पॉइंट क्या है और डिसाइडिंग फैक्टर क्या है. तो इस कैटेगरी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन. तो ये आपको समझ आया होगा. इस कैटेगरी का एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है. ये क्वेश्चन ज्यादा डेंजरस है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जनरली कराए नहीं जाते सॉल्व इस वजह से. तो आपको बस डिसाइडिंग फैक्टर पता करना है. जैसे देखो इस कैटेगरी का एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है, x प्लस मोड ऑफ y इक्वल टू 2y. ये क्वेश्चन आ गया.
तो अब यहाँ पे आपको क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले तो डिसाइडिंग फैक्टर कौन है, डिसाइडिंग फैक्टर क्या है यहाँ पे, जिसके ऊपर मोड लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे y जो है डिसाइडिंग फैक्टर हो गया, ठीक है। मतलब दो केस बनेंगे, व्हेन y इज ग्रेटर देन जीरो एंड व्हेन y इज लेस देन जीरो। अब यहाँ पे मोड ऑफ y प्लस थ्री ऐसा कुछ होता तो फिर पॉइंट चेंज हो जाता, वो भी मैंने आपको समझा दिया स्टार्टिंग में। y इज ग्रेटर देन जीरो पे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वस टू टू वाई, मोड हटेगा तो पॉजिटिव बाहर आएगा, वैसा ही मैंने किया, मतलब x इक्वस टू वाई, ये निकल गया है, ठीक है। x इक्वस टू वाई, जब y इज लेस देन जीरो तो मोड हटेगा तो नेगेटिव बाहर आएगा, मतलब x माइनस वाई इक्वस टू टू वाई हो गया, मतलब यहाँ पे आएगा आपके पास x इक्वस टू थ्री वाई। तो ये यहाँ से y इक्वस टू कितना निकल के आया आपके पास, x अपॉन थ्री, ठीक है। तो दो वैल्यूज हो जाएगी y की एक वैल्यू हो रही है x और दूसरी हो रही है x अपॉन थ्री, व्हेन x इज ग्रेटर देन जीरो एंड व्हेन x इज लेस देन जीरो, ठीक है। कि सर आपने y क्यों नहीं लिखा यहाँ पे, y ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो कर रहे थे आप, तो यहाँ पे y इक्वस टू x है तो मैं y की जगह x लिख सकता हूँ सीधा, ठीक है। फंक्शन आ गया पॉलिनोमियल फंक्शन, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूटी तो चेक करने की जरूरत है ही नहीं, करनी हो तो कर लेना, पॉलिनोमियल फंक्शन है हमेशा कंटिन्यूअस, या फिर ग्राफ बनाओगे तो कभी ब्रेक नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन आ रही है y इक्वल टू x का भी और y इक्वल टू x अपॉन 3 का भी। डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए मैं सीधा ही डिफरेंशिएशन कर देता हूं, तो x का डिफरेंशिएशन 1, x अपॉन 3 का 1 अपॉन 3, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड व्हेन x इज लेस देन 0। अब देखो ये जो आया है ना f डैश 0 प्लस की वैल्यू 1 आ रही है और f डैश 0 माइनस 0 से छोटे पे डिफरेंशिएशन की वैल्यू कितनी आ रही है 1 अपॉन 3, जो कि ऑब्वियसली सेम नहीं है, तो एट x इक्वल टू 0 पे फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है इसके बारे में कमेंट करना था आपको, तो कंटिन्यूअस ऑलवेज बट एट x इक्वल टू 0 नॉट डिफरेंशिएबल आप लिख सकते हो। तो इस कैटेगरी के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, अब आपको समझ भी आ गया होगा किस टाइप से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था और अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें एफ एक्स की दो वैल्यूज आपको दी हुई है, एफ एक्स व्हेन मोड ऑफ एक्स माइनस थ्री व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन एंड एक्स स्क्वायर अपॉन फोर माइनस थ्री एक्स अपॉन टू प्लस थर्टीन अपॉन फोर व्हेन एक्स इज लेस देन वन, ये दिया हुआ है। x इक्वल टू वन और थ्री पे चेक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ये क्वेश्चन आया है अपना। तो अभी देखो ध्यान देना यहाँ पे करना क्या है आपको, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, एट x इक्वल टू थ्री पे, एट x इक्वल टू थ्री एंड वन दोनों पे चेक करना है। तो ये मोड का डिसाइडिंग पॉइंट कौन सा आ रहा है, देखो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था यहाँ पे x इक्वल टू थ्री पे वैल्यूज चेंज होगी, थ्री से बड़ी होगी तो पॉजिटिव होगा, थ्री से छोटा होगा तो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये मोड हटाओ, अब यहां पे डिसाइडिंग पॉइंट क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ग्रेटर देन 3 और लेस देन 3 में करूंगा। तो fx की वैल्यू जब 3 से बड़ी होगी तो मोड हटेगा तो पॉजिटिव बाहर आएगा, तो x माइनस 3, मैंने x माइनस 3 लिख दिया मोड हटा के, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, ठीक है। जब x की वैल्यू यहां पे 1 से लेके 3 के बीच में हो, क्योंकि अगर मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू वन है तो ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री तो हो भी पॉसिबल हो ही सकता है। दूसरा जब x की वैल्यू यहाँ पे थ्री से छोटी है और वन के बीच में तो नेगेटिव बाहर आएगा, तो माइनस x माइनस थ्री व्हेन x इज लेस देन थ्री एंड ग्रेटर देन वन, जब वन से थ्री के बीच में हो। और तीसरे को आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है, लेस देन वन इसने बोला हुआ है और यहाँ पे इक्वल टू इसमें लगा दो आप, बात एक ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। x स्क्वायर अपॉन फोर माइनस थ्री एक्स अपॉन टू प्लस थर्टीन अपॉन फोर व्हेन x इज लेस देन वन, ठीक है। ये फंक्शन आप में सबसे पहले अपन को मोड ही हटाना होता है, जब भी कंटिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी वाले क्वेश्चन में मोड आ गया पहली स्टेप क्या होती है, मोड को रिमूव करो। तो ये मैंने मोड को रिमूव कर दिया। अब एट x इक्वल टू वन पे मैं कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूँ, सबसे पहला केस क्या हो गया अपना कंटिन्यूटी वाला, तो कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू वन, x इक्वल टू वन पे f1 इक्वल टू f1 प्लस इक्वल टू f1 माइनस होना चाहिए तभी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। f1 की वैल्यू यहां से आएगी, f1 की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस वन माइनस थ्री, कितना हुआ ये 2, f1 हो गया, f1 की वैल्यू 2 आ गई, f1 प्लस 1 से बड़ा, 1 से बड़ा तो 1 से बड़ा यही वाला फंक्शन यूज होगा। अगेन मैं सीधा 2 लिख देता हूं यहां पे, f1 माइनस 1 से छोटा, तो देखो 1 से छोटे में ये वाला फंक्शन यूज होगा, तो इसमें x इक्वल टू 1 सब्सिट्यूट करो,
1 अपॉन 4 माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 13 अपॉन 4। जब आप एलसीएम लोगे यहाँ पे तो यहाँ पे 4 एलसीएम हो गया, उसके बाद 1 माइनस 6 प्लस 13, तो 13 प्लस 4 कितना हो गया आपके पास, 13 प्लस 1 हो जाएगा मेरे पास 14, 14 माइनस 6 8 अपॉन 4 विच इज 2। तो 2 इक्वल्स टू इसमें भी कितनी वैल्यू आई, 2, ठीक है। तो तीनों में सेम वैल्यू आ रही हो, 2 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 2 हो रहा है, मतलब एट x इक्वल्स टू 1 फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है। सिमिलर वे में एट x इक्वल्स टू 3 पे जब आप चेक करोगे, एट x इक्वल्स टू 3, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या करना है, f3 इक्वल्स टू f3 प्लस इक्वल्स टू f3 माइनस होना चाहिए। तो f3 की वैल्यू क्या आ रही है, f3 अपन ने इसमें दिया है, तो 3 पे कितना हो गया ये 0, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। f3 प्लस 3 से बड़ी वैल्यू पे अगेन यही फंक्शन यूज होगा, तो 3 माइनस 3 अगेन क्या हो गया 0, f3 माइनस 3 से छोटा, तो 3 से छोटा ये वाला फंक्शन यूज होगा। x इक्वल्स टू 3 पुट करते हैं, 3 माइनस 3 यहाँ पे भी 0 हो रहा है, 0। तो एट x इक्वल्स टू 3 भी फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। अब डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए अपन ने क्या बोला था, डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए फंक्शन का आपको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना है, यही सीखा था। अगर किसी पॉइंट पे चेक करना हो तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करूंगा इस फंक्शन का। तो f डैश x की वैल्यू देखो क्या होगी, f डैश x की 3 वैल्यूज पॉसिबल होगी। इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, इसका डिफरेंशिएशन -1 हो जाएगा व्हेन x इज लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x अपॉन 4, 2x अपॉन 4 का मतलब क्या हो गया, x अपॉन 2 और यहाँ पे -3 अपॉन 2, ठीक है। बस यही 13 अपॉन 4 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा when x is less than 1। अब देखो अपन को क्या करना है, 1 और 3 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, उसके लिए क्या करना है आपको, उसके लिए देखो आपको करना क्या पड़ेगा, सीधी वैल्यू पुट करनी है अपन को और कुछ नहीं करना। अगर डिफरेंशियबल है 1 पे तो f-1 प्लस इक्वल्स टू f-1 माइनस होना चाहिए। f-1 प्लस 1 से बड़ा, 1 से बड़ा यहाँ पे दिख रहा है देखो, 1 से बड़ा कौन सा फंक्शन यूज होगा, -1। f-1 माइनस 1 माइनस ये वाला फंक्शन यूज होगा, तो x इक्वल टू 1 पुट करो, 1 अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन 2, तो ये कितना हो गया, -1 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा आपके पास -1। तो दोनों सेम हो गए, मतलब एट x इक्वल टू 1 फंक्शन आपका डिफरेंशियबल है। x इक्वल टू 3 पे तो f-3 प्लस इक्वल टू f-3 माइनस होना चाहिए डिफरेंशियबिलिटी के लिए, तो सीधा सब्स्टिट्यूट करो, तो 3 से बड़ा यही फंक्शन यूज होगा 1, 3 से छोटा तो 3 से छोटे पे ये वाला फंक्शन यूज होगा -1। तो f-3 प्लस की वैल्यू 1 आ रही है और 3 माइनस की वैल्यू -1 आ रही है, विच इज ऑब्वियसली नॉट सेम। तो जो फाइनल वर्डिक्ट है इस क्वेश्चन का वो क्या निकल गया है आपने पास, एट x इक्वल टू 1 एंड 3 कंटिन्यूस है, डिफरेंशियबल एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे क्या है आपका फंक्शन डिफरेंशियबल है एंड नॉट डिफरेंशियबल एट x इक्वल टू 3, 3 पे आपका फंक्शन नॉट डिफरेंशियबल है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। इसके बाद एक और अच्छा क्वेश्चन है मोड पे बेस्ड ही, और वो भी काफी टाइम एग्जाम में पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है और सॉल्व किया हुआ होना चाहिए आपका पहले से, 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया है ये जो मोड वाला क्वेश्चन है। इसके बाद जो लिखा हुआ है मैं फिर से लिख देता हूँ, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज fx इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस मोड ऑफ x। नॉट डिफरेंशियबिलिटी वाले पॉइंट्स बताने हैं आपको इस फंक्शन में। अब देखो ऐसा कोई फंक्शन दे और कि सर इस फंक्शन में तो कुछ दिया ही हुआ ही नहीं है कि ये कहाँ से ग्रेटर देन 0 पे क्या होगा, लेस देन 0 पे क्या होगा, कुछ नहीं लिखा हुआ ना, तो मोड वाले फंक्शन में लिखा हुआ भी नहीं आएगा। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, डिसाइडिंग फैक्टर देखो क्या है, मोड है यहाँ पे। अब ओनली मोड एक्स आ रहा है, मतलब 0 यहाँ पे पॉइंट होगा जो डिसाइड करेगा इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी। अगर यहाँ पे x माइनस 1 हो जाता तो 1 क्या हो जाता, अपना डिसाइडिंग पॉइंट हो जाता, वो मैंने स्टार्टिंग में आपको बात समझा दी। तो अब देखो सॉल्व करने के लिए क्या करना है, एफ एक्स की 2 वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, x अपॉन 1 प्लस मोड एक्स व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
एंड x अपॉन 1 माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0. ठीक है, और बहुत से आप में से मेरे से पूछोगे कि सर यहां पे आपने ग्रेटर देन इक्वल्स टू यहां पे क्यों लगाया, इक्वल्स टू यहां पे क्यों नहीं लगा सकते? लगा सकते हो, आपको यहां पे लगाना है यहां पे भी लगा देना, कोई चेंजेस नहीं आएगा उस आंसर में. ठीक है, तो ये फंक्शन हो रहा है. डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए मैं सीधा डिफरेंशिएशन कर देता हूं, क्योंकि डिसाइडिंग पॉइंट 0 है ना, तो मतलब एक पॉइंट पे ही अपन को चेक करना है बस. क्योंकि अगर ग्रेटर देन 0 देखें तो ओनली ये वाला फंक्शन यूज होगा, ऊपर वाला ओनली ये वाला फंक्शन यूज होगा, व्हिच इज ऑब्वियसली अ पॉलीनोमियल फंक्शन, हमेशा डिफरेंशिएबल होगा. बट 0 पे ही अपन को चेक करना है कि ये डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं है. ठीक है, क्योंकि बाकी सारे पॉइंट्स पे तो वैल्यू सेम आएगी ना अपने डिफरेंशिएशन की. तो यहां पे f'x फाइंड आउट करो, f'x. ठीक है, तो इनका मैं डिफरेंशिएशन अलग से कर देता हूं. u अपॉन v यूज होगा x अपॉन x plus 1 का d/dx ऑफ दिस फंक्शन, डिनोमिनेटर का स्क्वायर x plus 1 का होल स्क्वायर. x plus 1 को छोड़ दिया, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस x को छोड़ दिया, x plus 1 का डिफरेंशिएशन 1, x x कैंसिल आउट होगा, क्या होगा यहां पे 1 अपॉन x plus 1 होल स्क्वायर. दूसरा जो फंक्शन है d/dx ऑफ x अपॉन 1 माइनस x है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 माइनस x का होल स्क्वायर, 1 माइनस x को छोड़ दिया और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, माइनस x को छोड़ दिया और 1 माइनस x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 हो गया. ठीक है, तो यहां पे भी आपके पास क्या निकल के आएगा, 1 अपॉन, है ना, ये 1 से x x कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस x होल स्क्वायर, यही निकल के आएगा. तो दोनों डिफरेंशिएशन आ गए हैं. यहां पे डिफरेंशिएशन मैं सीधा लिख देता हूं, 1 अपॉन 1 plus x होल स्क्वायर when x is greater than equals to 0, 1 upon 1 minus x whole square when x is less than 0. अब देखो f dash 0 की value 0 plus और 0 minus पे, यहाँ पे भी 1 होगी और यहाँ पे भी obviously 1 होगी, x is less than 0. So at x equals to 0 function is differentiable. ठीक है, ये देखो ये f dash 0 प्लस है और ये f डैश 0 माइनस की वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है अपनी, सेम आ रही है यहां पे. तो at x equals to 0 फंक्शन इज डिफरेंशिएबल. सो फॉर दिस फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबिलिटी वाले पॉइंट्स कितने होंगे, 5. कोई पॉइंट नहीं है नॉट डिफरेंशिएबिलिटी वाला, हर पॉइंट पे आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है. अब देखो इसके बाद एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब वो अपन पहले से सॉल्व कर चुके हैं, बट इस बार थोड़ा सा टाइप उसने चेंज कर दिया है, तो मैं पूरा सॉल्व नहीं करवाऊंगा. fx इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट कैटेगरी वाले क्वेश्चन में, x plus mod of x into mod x. fx और f'x की कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पे बात करो क्या होगा. तो देखो fx की दो वैल्यू पॉसिबल है, when x is greater than 0 तो mod हटेगा तो पॉजिटिव बार आएगा, बार बार समझाने की जरूरत नहीं, अब समझ में आ गया आपको. x plus x 2x into x 2x square when x is greater than equals to 0, और जब नेगेटिव होगा तो mod हटेगा तो माइनस बार आएगा, तो x minus x क्या हो गया 0 when x is less than 0. ये फंक्शन आया है जो कि ऑलवेज कंटीन्यूअस है, अभी अभी पहले वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही फंक्शन बना था, ऑलवेज कंटीन्यूअस है. डिफरेंशिएबिलिटी के लिए f'x चेक करो, f'x की वैल्यू कितनी हुई 4x 0 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड व्हेन x इज लेस देन 0. तो यहां पे f' 0 प्लस इक्वल्स टू f' 0 माइनस, दोनों की वैल्यू क्या होगी 0, at x इक्वल्स टू 0 पे दोनों क्या होंगे 0. तो फंक्शन आपका क्या है 0 पे डिफरेंशिएबल है. किसकी बात कर रहे हैं, f(x) की. ये जो भी किया ना अपन ने किसके लिए बताया, fx के लिए, तो fx पे फंक्शन कंटीन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी हो गया. अब f'x का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी बताना है, तो f'x ये वाला फंक्शन है, कंटीन्यूअस ऑलवेज होगा, कांस्टेंट फंक्शन भी कंटीन्यूअस होते हैं, पॉलीनोमियल फंक्शन भी कंटीन्यूअस होते हैं, तो कंटीन्यूअस तो ऑलवेज है ये फंक्शन. अब इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए अगेन डिफरेंशिएशन कर दो, f"x 4 0 x is greater than equals to 0 and when x is less than 0. ये हुआ. अब देखो आपको साफ साफ दिख रहा है f"' 0 plus की वैल्यू कितनी है 4 और f"' 0 minus की वैल्यू कितनी है 0, जो कि सेम नहीं है, यहीं पे पता चल रहा है अपन को. तो f'x at x equals to 0 पे continue differentiable नहीं है अपना. जो fx और f'x है ना यहाँ पे हमेशा continuous function है, और जो fx है x equals to 0 पे differentiable भी है.
ठीक है, बट एट एक्स इक्व टू जीरो पे एफ डैश एक्स अपना नॉट डिफरेंशियबल निकल के आया। तो ये थे मोड वाले कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपको समझ आए होंगे। इसके बाद एक टाइप और है, टाइप फाइव, उसके भी मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको करवा देता हूँ। तो ये अपने टाइप फाइव वाले क्वेश्चन हैं। देखिए मैंने पांच क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पे, चार क्वेश्चन लिखे हैं। अगर इस कैटेगरी का कोई क्वेश्चन पूछे जाए, देखिए मैं पहला क्वेश्चन पूरा लिख देता हूँ। एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स दिया हुआ है, फाइंड नॉट डिफरेंशियबिलिटी पॉइंट्स, या फिर ऑन व्हाट पॉइंट द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियबल, इस कैटेगरी का कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखो सॉल्यूशन में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो साइन इनवर्स एक्स होता है ना अपना, उसके डोमेन के अंदर ऑलवेज कंटिन्यूस होता है, हमेशा कंटिन्यूस होता है। ये एफ एक्स है तो एफ डैश एक्स फाइंड आउट कर लो। एफ डैश एक्स साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है। तो यहाँ पे मेरे को दिख गया ये एफ डैश एक्स हुआ। अब देखो एफ डैश एक्स नॉट डिफाइन कब हो रहा है, एफ डैश एक्स की वैल्यू नॉट डिफाइन कब होगी, जब यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 हो जाएगा। एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 हुआ तो डिनोमिनेटर में 0 हो गया। अब अगर डिनोमिनेटर में 0 हो गया तो फंक्शन अपना डिफरेंशियबल होगा क्या, नहीं होगा। तो एट एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 बस, मतलब अगर इस कैटेगरी का कोई क्वेश्चन आ गया ना तो उसके डोमेन में तो वो हमेशा क्या होगा। अब जैसे रूट वाले फंक्शन भी क्या, उसके डोमेन में हमेशा कंटिन्यूस होते हैं, कंटिन्यूस तो होते हैं। डिफरेंशियबिलिटी के लिए आपको क्या करना है, सीधा डिफरेंशिएशन करो, उसके बाद वो वाले पॉइंट्स चेक कर लो जहाँ पे आपका फंक्शन नॉट डिफाइन हो रहा है, मतलब डिनोमिनेटर में 0 हो रहा है। मैक्सिमम इस कैटेगरी के क्वेश्चन में आपका डिनोमिनेटर में ही 0 वाले जो पॉइंट्स है वो आपको रिमूव करने होंगे। तो एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 तो इन दोनों पॉइंट्स पे ही नॉट डिफरेंशियबिलिटी वाले पॉइंट्स हैं इसके, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, बस डिफरेंशिएशन करके आपको पता लगाना है। अब डिफरेंशिएशन अगर आपको आता है तो काफ़ी इजी है। जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू ई रूट ओवर, तो कंटिन्यूस है, रूट का जो फंक्शन होता है उसके डोमेन में हमेशा कंटिन्यूस होगा। नाउ एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर रूट का अंडर रूट एक्स का 1/2 अंडर रूट एक्स होता है, तो 1/2 रूट ओवर सेम टू सेम है ना, ये रेडिकल साइन नहीं है, 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अब 1 माइनस ई की पावर एक्स स्क्वायर का फिर से डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ पे 1 का तो 0 हो जाएगा, माइनस बाहर आ गया, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है तो ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर का फिर से करोगे तो माइनस का 2x मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे ये माइनस हटा दो और इनटू 2x लिख दो, ठीक है, समझ आया होगा डिफरेंशिएशन आपको आता है। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये फंक्शन बचा अपना। अब फंक्शन नॉट डिफाइन, डिनोमिनेटर में 0 बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता, बन सकता है यहाँ पे। तो नॉट डिफरेंशियबल कब होगा, जब 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो, मतलब यहाँ पे आपके पास हो गया ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है, जब एक्स इक्वल्स टू क्या हो, 0, एक्स इक्वल्स टू 0 पे ही ई की पावर 0 1 होगा, तो इसका नॉट डिफरेंशियबल वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू 0। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसमें क्या है, एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस एक्स, साइन इनवर्स हमेशा कंटिन्यूस फंक्शन होता है उसके डोमेन में। तो अब मेरे को करना क्या है, एफ डैश एक्स फाइंड आउट करना है। एफ डैश एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह कॉस एक्स है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब कॉस एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस का साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स। नाउ एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स होता है, रूट से बाहर आते ही वो कॉस एक्स में चेंज हो जाएगा, बट रूट से बाहर आएगा तो मोड ऑफ साइन एक्स में चेंज होगा, सॉरी मोड ऑफ साइन एक्स, ठीक है। तो ये अपना फंक्शन है, अब इसको आप कट करके अगर माइनस 1 लिख दोगे और ऑलवेज डिफरेंशियबल तो गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ये फंक्शन है, एक फंक्शन है तो आप ये सीधा कट नहीं कर सकते, अपन को नहीं पता कि ये मोड एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, मतलब ये मोड कैसे हटा सकते हैं अपन, कोई कंडीशन नहीं दी हुई है। तो इस फंक्शन का डिनोमिनेटर में 0 बन सकता है क्या, क्यों नहीं बन सकता, बन सकता है। कब बनेगा, जब साइन एक्स इक्वल्स टू 0 हो। अब जब साइन एक्स इक्वल्स टू 0 हो तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाता है, 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई, ये सारी वैल्यूज, तो प्लस माइनस या फिर एन पाई पे फंक्शन क्या होगा आपका, नॉट डिफरेंशियबल, ठीक है। तो इसके लिए ये सारे पॉइंट्स हो जाएंगे। एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो जो एफ डैश एक्स होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो दिस थिंग 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा ही होगा, इनटू इस चीज का फिर से डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ
2x upon 1 plus x square, ठीक है? तो यहाँ पे not define कब होगा आपका function? जब यहाँ पे denominator में 0 हो, मतलब यहाँ पे ये जो है ना, value आएगी आपके पास, 1 minus 2x upon 1 plus x square. इस वाली क्वांटिटी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो करोगे ना इस इक्वेशन को सॉल्व करना तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस वन निकल के आएगा है ना. मैं पूरा नहीं सॉल्व कर रहा हूँ इसको, आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं, बेसिक सी इक्वेशन है. तो यहाँ पे x इक्वल्स टू प्लस माइनस वन निकल के आएगा, तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस वन पे यहाँ पे डिनोमिनेटर में जीरो हो जाएगा, मतलब फंक्शन नॉट डिफाइन हो गया. तो एट x इक्वल्स टू प्लस माइनस वन पे फंक्शन अपना नॉट डिफरेंशियबल, ठीक है? तो ये डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर खत्म हो गया है अपना. आई होप आपको समझ आया होगा किस टाइप से डिफरेंशिएबिलिटी वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल.